हाँ जी, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 48? पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन अ रेशियो ऑफ 2:1। सो क्वेश्चन नंबर हमारा है 48 और बुक का नाम है डी के गोयल। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। पी एंड क्यू पार्टनर है और रेशियो इनकी 2:1। आगे क्या कहते क्वेश्चन? ऑन 1 अप्रैल 2017 दे एडमिटेड आर। 1 अप्रैल 2017 को आर का एडमिशन हुआ है, ठीक है ना जी? आर का एडमिशन हुआ है 1 अप्रैल 2017 को। एंड न्यू रेशियो ऑफ पी क्यू एंड आर इज एग्रीड टू बी 3:1:1। और आर के एडमिशन के बाद न्यू पीएसआर इन्होंने क्या कर लिया? 3:1:1। ये इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? आर ब्रॉट 2 लाख एज इज कैपिटल। अब आर के एडमिशन पर आर क्या क्या लेकर आया है? कैपिटल लेकर आया है ₹2 लाख, ठीक है जी। उसके बाद क्या लाया है? 60,000 लाया है प्रीमियम फॉर गुडविल। सो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है ₹60,000। चलिए जी, आगे क्वेश्चन क्या कहता है? ऑन द डेट ऑफ आर्स एडमिशन बैलेंस शीट ऑफ पी एन क्यू शो द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000 इन पी एन एल अकाउंट। अब जिस दिन आर का एडमिशन हुआ है उस दिन बैलेंस शीट में हमें पी एन एल अकाउंट दिख रहा है, यानी रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिख रहा है। कितने के? पी एन एल तो दिख रहा है ₹45,000 का, ठीक है। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिख रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है हमारे पास 80,000। चलिए जी, आगे क्वेश्चन क्या कहता है? इट इज एग्रीड दैट देयर वाज अ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फॉर 50,000। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट हमारे पास 50,000 का क्लेम है। तो इसके अगेंस्ट क्लेम कितने का है? क्लेम है इसके अगेंस्ट ₹50,000 का। चलिए, आगे क्वेश्चन क्या कहता है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन आर्स एडमिशन। आर का जो एडमिशन हुआ है हमारे पास, इस समय हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बतानी है कि क्या क्या जर्नल एंट्रीज की जाएंगी। तो सुनिए, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस है, ये क्या होना है? ये ओल्ड पार्टनर्स को बांटे जाएंगे ओल्ड रेशियो में। बस वर्कमैन कंपनसेशन में क्या होगा? रिजर्व के अगेंस्ट में हम लोग लायबिलिटी को एडजस्ट कर लेंगे और उसके बाद जो बचेगा बैलेंस वो पार्टनर्स को दिया जाएगा ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को। उसके बाद ये प्रीमियम लाया है, इसका क्या करना है? प्रीमियम को हमें बांटना है सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स को सेक्रीफाइजिंग रेशियो में, और कैपिटल उसके अकाउंट में जाएगी। यही एंट्रियां करनी है। तो इसके लिए मुझे एक वर्किंग नोट चाहिए सबसे पहले सेक्रीफाइजिंग रेशियो का। क्यों? क्योंकि ओल्ड और न्यू तो गिवन है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो हम लोग निकाल लें। तो सबसे पहले कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइजिंग रेशियो, ठीक है जी। सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालना है तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे हम लोग। ओल्ड माइनस न्यू, पार्टनर्स के नाम क्या है? पी क्यू एंड आर। चलिए, ओल्ड क्या है? 2/3 एंड 1/3। आर का तो 0 है ओल्ड, इसमें से माइनस करना है न्यू, यानी 3/5, 1/5 एंड 1/5। चलिए, तो इसे सिंप्लीफाई करें, आगे सॉल्व करते हैं। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास? 15 आ गया, ठीक है। 15 पर ये कितने गया? 5 से, तो 10 माइनस, और ये कितने गया? 3 से, तो 9, 1/15 आ गया। यहां पर भी एलसीएम ले लें, 15 ही आएगा। ये कितने से गया? 5 से, और ये गया 3 से, ये आ गया कितना? 2/15। और यहां पर हम बात करें तो यहां पर आ रहा है ये। अच्छा, एक काम करते हैं, वैसे तो जरूरत नहीं है कि तीनों के न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर बराबर करें, बट आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा, इसके लिए मैं बराबर कर लेता हूँ। इसे भी 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, तो ये क्या आ गया? माइनस में 3/15। तो अब देखिए, इसको ने सेक्रीफाइस किया है, इसने भी सेक्रीफाइस किया है, और इसने गेन किया है, यानी इन दोनों का सेक्रीफाइस किसके गेन के बराबर आ रहा है? सी सॉरी आर के गेन के बराबर। देखिए ना, 1 और 2 3, ये आ रहा है 3, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं हमारी जो सेक्रीफाइजिंग रेशियो है वो है 1:2। चलिए, तो आगे आते हैं सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन में सबसे पहले जर्नल एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जर्नल एंट्री करनी है हम लोगों को, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज मांगी है। पहली जर्नल एंट्री होगी जो हमारा आर पार्टनर आया है वो प्रीमियम और कैपिटल लेकर आया है, उसकी एंट्री करते हैं। तो कैश में लेकर आया है दोनों चीजें, वो कैश
कैश अकाउंट डेबिट किस किस के लिए आया है? आर्स कैपिटल अकाउंट के लिए लेकर आया है वो, और दूसरा लाया है प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है वो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के लिए। कैश कैपिटल के लिए लाया है 2 लाख रुपए और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है 60, तो टोटल कितना हो गया 2,60,000। चलिए ये आ गया। इसके बाद आते हैं इसकी नरेशन पर। बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय आर, ठीक है। सेकेंड एंट्री पर आए हम लोग। सेकेंड एंट्री क्या होगी? सेकेंड एंट्री होगी हमारे पास जो ये प्रीमियम है ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बटेगा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितने से? 60,000 से। 60,000 लेकर किसे दिया हमने? पार्टनर्स को दिया। पार्टनर्स के नाम क्या है हमारे पास? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के नाम है पी एंड क्यू, और रेशियो क्या निकाली है? 1:2 हमने कैलकुलेट की है अभी, ठीक है। तो पी इज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखिएगा गुडविल में आपकी बुक में यहां पर करंट अकाउंट यूज करता है, बट मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं है करंट अकाउंट यूज करने के लिए। क्यों? कहीं पे हिंट थोड़ी ना दिया है कि हम फिक्स मेथड ऑफ कैपिटल यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं बोले तो फ्लक्चुएटिंग मानते हैं, और फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट। चलिए तो हमें बांटना है 60,000 को 1:2 में, तो 60,000 के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा आया 20,000, तो 20,000 मिल गए इसको, और इसे मिलेंगे 2 हिस्से यानी 40,000, ठीक है जी। ये एंट्री हो गई हमारे पास। इसकी नरेशन लिख दो। बीइंग प्रीमियम ट्रांसफर्ड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलिए इसके बाद आते हैं एंट्री नंबर थर्ड पर। एंट्री नंबर थर्ड में हमें क्या करना है? हमें पीएनएल और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांटना है पार्टनर्स में। अलग अलग कर दूं, कंबाइंड करूं? अलग अलग कर देता हूं, ठीक है। चलिए सो पीएनएल को बांटेंगे तो क्या होगा? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, पी इज कैपिटल टू क्यू इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना है ये है हमारे पास? 45,000 रुपए। तो 45,000 के जरा 3 हिस्से करो, एक हिस्सा आ गया 15,000। 3 हिस्से क्यों करवा रहा हूं? 2:1 रेशियो है, एक हिस्सा 15,000 आया, तो पी के तो 2 हिस्से हैं तो 30,000 हो गया, और क्यू का एक हिस्सा है तो 15,000 हो गया। चलिए जी तो नरेशन क्या आ गई हमारे पास? बीइंग पीएनएल ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। चलिए जी इसके बाद आते हैं हम लोग लास्ट एंट्री पर, जो कि है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। रिजर्व के अगेंस्ट जितनी लायबिलिटी है वो एडजस्ट करेंगे, रिमेनिंग जो बच जाएगा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दे देंगे। तो हमारे पास रिजर्व कितना है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का है? रिजर्व 80,000 का रिजर्व है। चलिए जी 80,000 का रिजर्व है, इसके अगेंस्ट लायबिलिटी कितनी है उसे एडजस्ट करें। वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी कितनी है? लायबिलिटी 50,000 की है, 50,000 एडजस्ट हो गए, अभी 30,000 बच गए। 30,000 हम क्या कर रहे हैं? ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दे रहे हैं। पी इज कैपिटल टू क्यू इज कैपिटल। चलिए कितना आ गया? 30,000 बचा है। रेशियो क्या है? 2:1। 30,000 के 3 हिस्से की एक हिस्सा आया 10, तो 2 हिस्से इसके बनते हैं पी के, तो 10 × 2 = 20,000, और एक हिस्सा बनता है इसका यानी केवल 10,000, ठीक है। हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भी बांट दिया। बी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एडजस्टेड अगेंस्ट लायबिलिटी एंड रिमेनिंग ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। चलिए जी तो ये भी हमारा सॉल्यूशन खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 48 का। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चल रहे हैं।
हाँ जी, तो मैं आप कुछ ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए डिटेल बता दूं जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग हमारा जो चैनल देख रहे हैं, चैनल का नाम है SR अकाउंटेंसी क्लासेस, ठीक है। YouTube पे हमारा ये चैनल है SR अकाउंटेंसी क्लासेस, यहाँ पे आपको हमारी सारी वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगी, ठीक है। आप हमें YouTube पर इसी नाम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आप YouTube पे जाइए, SR अकाउंटेंसी क्लासेस लिखिए, हमारी सारी वीडियोस आपको अवेलेबल मिल जाएंगी यहाँ पर। आप चाहें तो हमें फेसबुक पर भी फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको SR अकाउंटेंसी क्लासेस ही सर्च करना है फेसबुक पर, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जो मुझे बतानी है वो ये है, अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप कैसे मुझसे पूछ सकते हैं। जब आप वीडियोस को देखते हैं यूट्यूब पर तो नीचे कमेंट कॉलम आता है, वीडियोस के नीचे यूट्यूब पर कमेंट कॉलम आता है, वहां कमेंट कॉलम में आप अपने डाउट्स एंड क्वेरीज को लिख सकते हैं। हमने आपको कोई क्वेश्चन समझाया या कोई कॉन्सेप्ट समझाया और उसमें आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट कॉलम में मुझे लिख दीजिए, मैं श्योरली आपको उस पर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहें तो मैं आपको कांटेक्ट नंबर दे देता हूं, 9261004x7। आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करना चाहें तो उसके लिए भी यही नंबर है, ठीक है। इसके बाद आप जो हमारे चैनल है इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस हम डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आ जाता है आपको, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, यानी एक अलर्ट आ जाता है ऑटोमेटिकली, आपको बार बार चैनल पर जाकर देखना नहीं पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा कि कोई नया वीडियो आया है या नहीं आया, ठीक है। तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एंड एक और बात है इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, वो है प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट क्या है, जब आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाते हैं तो हमने चैप्टर वाइज क्लास वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप नॉर्मली हमारे चैनल पर जाएंगे तो सारे वीडियोस किसी रैंडम ऑर्डर में है, कोई एक सीक्वेंस नहीं है वीडियोस का। हो सकता है 11th के बाद 12th के वीडियोस मिल रहे हो, मिक्स्ड मिलेगा। तो अगर आप सीक्वेंस में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस को चैनल पे जाके, हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के थ्रू देखिए। सपोज आपको 11th का चैप्टर 1 देखना है तो चैप्टर 1 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू देखिए ताकि आपको सारे वीडियोस एक ऑर्डर में मिले। इसके बाद एक और चीज मुझे बतानी है आपको, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हम जो बता रहे हैं आपको समझ में आता है, तो आप हमारे कंप्लीट कोर्स के लिए हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, इससे मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा कि किस तरीके से आप हमारे कंप्लीट कोर्स के लिए असेस ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो थैंक यू, आगे चलते हैं, क्लासेस में मिलते हैं आप लोगों से।